हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेकन गेमिंग। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो वीडियो एस्पल्ट 8 के ऊपर मैं बनाऊंगा। तो आप लोग अगर एस्पल्ट 8 को खेलना चाहते हो मल्टीप्लेयर में वाईफाई के बगैर, तो आप ये वीडियो देखो। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एस्पल्ट 8 को मल्टीप्लेयर में खेलोगे वाईफाई के बिना। मतलब आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं होगा तो भी आप मल्टीप्लेयर खेल पाओगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो दोस्तों, पहले आपको करना क्या होगा, इंटरनेट को ऑन करना होगा, मोबाइल इंटरनेट। उसके बाद आपको एस्पल्ट 8 को मैं खोलता हूँ। तो लोडिंग होगा कुछ देर। तो हो गया लोडिंग। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा देर लोडिंग होने दीजिए, प्ले में चले जाना है और यहाँ पर अपडेट जो है वो होने दीजिए। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पर प्ले पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा है नो इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल, प्लीज़ मेक श्योर योर डिवाइस इज़ कनेक्ट टू ए वाईफाई नेटवर्क। तो वाईफाई नेटवर्क से मेरा कनेक्टेड नहीं है ये दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, आपको सिर्फ अपना वाईफाई जो है ऑन करना है। तो अगर आपका वाईफाई ऑन किया हुआ है और आपका वाईफाई से कोई भी राउटर कनेक्टेड नहीं है तो भी आपका मल्टीप्लेयर जो है वो ऑन हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, कोई भी डिवाइस जो है कनेक्ट नहीं है और फिर मैं प्ले पे क्लिक करता हूँ। देखिए नेक्स्ट पे, और आप जैसे ही ज्वाइन रूम पे क्लिक करोगे तो आपका गेम जो है ऑन हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लेयर। ये देखो हो गया, तो मैं नहीं खेलूँगा तो लीव कर देता हूँ मैं। तो मैं आपको वाईफाई जो है ऑफ करके दिखाता हूँ। ये देखिए नहीं होगा, ये देखिए मेरा वाईफाई जो है ऑफ है। तो मैं फिर से एक बार ऑन करके दिखाता हूँ यहीं से। ठीक है, कोई कनेक्टेड डिवाइस नहीं है, मतलब कोई राउटर कनेक्ट नहीं है वाईफाई से। तो ओके करना, फिर से प्ले पे क्लिक करना, नेक्स्ट। और ये देखिए ज्वाइन रूम आ गया। ठीक है, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वाईफाई का जो ऑप्शन है उसको ऑन रखना है। कनेक्ट नहीं है तो भी आपका जो मल्टीप्लेयर है वो चालू हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताओ, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही।